अगर इनसे रोजगार मांगा जाए तो ये पाकिस्तान कहते हैं, अगर इनसे कहा जाए कि नहीं आप जो है विकास के धरातल पर सीवर से मुक्ति कराओ तो कहते हैं कि नहीं धारा 370 हटना चाहिए, इनसे कहा जाए कि नहीं हमें जो सस्ता गल्ला चाहिए राशन चाहिए तो ये कहते हैं नहीं वंदे मातरम बोलो। तो इस तरीके की जो इनकी ढोकलेबाजी है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, और अच्छा इनके जो एजेंट लोग हैं भगवादारी लोग, ये श्री राम के भी नहीं होते हैं, ये देश के भी नहीं होते हैं, लोगों के नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था की बात सुनने पर एक एक आदमी को क्रोध आ जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आज देखिए छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो कोई खुशहाल नहीं है, हर जगह छटनी की जा रही है। और सबसे बड़ी सरकारी जो तंत्र थी जहां से इनको लाभ मिलना शुरू हुआ था, अब वो उसको प्राइवेटेशन के रूप में बदलते जा रहे हैं। प्राइवेट करके किसका फायदा, जनता का ही तो फायदा होने वाला है। जनता क्या, इसमें जनता का क्या फायदा होने वाला, प्राइवेट करेंगे महंगाई बढ़ेगी। जैसे बिजली का देख लीजिए, बिजली अभी पूरी तरह से प्राइवेट हुई भी नहीं है, अभी गेल ने खाली अपने जो उनके अधिक सरकारी कर्मचारी थे उनको प्राइवेटेशन में डाला है। स्मृति ईरानी जी इनकी मंत्री है, हाथ हाथ भर की चूड़ियां मनमोहन सिंह को देती थी, सिलेंडर उठा के पटक के सड़क पर नृत्य करके जो है वो अपना विरोध करती। कांग्रेसी कल्चर जो था वो देश के जेब से पैसा और उनकी लूट नहीं करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि मेरा जो लूट का पैसा है एक मुश्त वो तो हम लूटेंगे ही, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के जेब में 2000 का नोट कैसे आ गया, उसके लिए ईडी लगा दो, उसके लिए इनकम टैक्स लगा दो, उसका सेल टैक्स देख लो, उसका बैंक देख लो। तो ये देखने वाले लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को तेल के दाम बढ़ाने में, जनता को परेशान करने में, महंगाई को बढ़ाने में यदि खुशी मिल रही है, उनको लग रहा है कि इससे जनता खुश है, तेल का दाम बढ़ा तो जनता खुश होगी, तो हम लोग अपने पीएम के साथ खुशी का इजहार करते हुए जनता के बीच मिठाई बांटे। रोजगार के सवाल पर कोई मोदी सरकार और योगी सरकार सफल नहीं हो पाई। एक नौकरी देने के बजाय रेलवे में 4-4 लाख नौकरियों की छटनी की गई। हमारे के यहाँ बनारस का DLW है उसको प्राइवेटलाइजेशन किया गया। बड़े व्यापारियों के हाथ में तमाम षड्यंत्र, तमाम जो उपक्रम है भारत सरकार के देने के लिए काम किया गया। BSNL और MTNL को भ्रष्ट करके जियो के पेट को भरने का काम किया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जब पेट्रोल और डीजल का जब महंगाई करने की बारी आती, निर्मला सीतारमण जी एक पारिवारिक महिला है, बनारस आई है, अर्थव्यवस्था जानने आई। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर घर में कभी वो चूल्हा चौका की होंगी तो अर्थव्यवस्था का 1% भी उनको ज्ञान होगा, उन्हें शर्म नहीं आती है। वो बनारस के अंदर अलग से GDP बनाते हैं और देश का अलग से GDP बनता है और सब झूठ होता है। देखिए जनता से पूछिए, उसका दर्द को समझिए कि जनता खुश है, क्या हमारी मिठाई आपकी तरफ से दिया हुआ एक्सेप्ट कर रही है कि उसका तिरस्कार कर रही है। जिस मनमोहन सिंह ने पूरे विश्व में जब मंदी का दौर था तो हिंदुस्तान लहला रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों का बैंक अकाउंट था, हम पूछना चाहते हैं कि नोटबंदी का जो दंश है आज वो आर्थिक मंदी पर आ गई कि नहीं आ गई। नरेंद्र मोदी जी कहे थे उस वक्त अगर अपने बात के पक्के होंगे और सच्चे गुजराती होंगे तो चौराहे पर 50 जूता देके खाने का बात कहे थे कि नहीं कहते, हम नहीं कह रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था वो ना खाएं 50 जूता। उनका यहाँ का कोई विधायक स्वाभिमान के साथ बनारसियों के सामने आवे और 50 जूता खा ले, हम मान जाएंगे कि ये सरकार ईमानदार है। अगर ये जूता नहीं खाते हैं तो इसका मतलब ये बेईमान लोग हैं। एक मामला तेल का नहीं, एक तेल के बढ़ने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे इतना बड़ा भारी बोझ पड़ रहा है कि देश की हर जनता रो रही है, परेशान है, देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। देश को चलाने के लिए हृदय चाहिए, मार्मिकता चाहिए, आत्मीयता चाहिए। आज जो घर के बच्चे हैं, भाई साहब हैं, ये लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, जब फीस जमा करने की बारी आती है तो कलेजा कर आता है। प्राइवेट स्कूलों पे नकेल क्या इन्होंने कसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल पे इन्होंने नकेल कसा है, इन्होंने नकेल कहाँ कसा। 450 का सिलेंडर लेते हो देश के लिए कुछ नहीं करते हो, 1000 का सिलेंडर क्यों नहीं लेते हो देश के लिए कुछ करो, 80 रुपया का पेट्रोल नहीं ले सकते हो और देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान देख रहे हो, हर बात में पाकिस्तान चढ़ते चला आ रहा है। तो मोदी जी तुम छोड़ के चले जा रहे, यहाँ का एक अदना सा नौजवान पाकिस्तान के कराची पे चढ़ेगा, गर्दन मरोड़ेगा, खत्म करके जमी दोष कर देगा, तुमसे ना हो पाएगा भाया, तुम छोड़ दो हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी जी के भाजपा की खुशहाली आएगी, योगी जी के मठ में खुशहाली आएगी, क्योंकि एक कहावत है, हम बनारसी लोग हैं बड़े बेबाक रूप से बोलते हैं और सुनना भी पड़ेगा इन बनारसी, क्योंकि इत्तेफाक से हमारे सांसद हैं प्रधानमंत्री, कि विधवा चाहती है सब विधवा हो जाए।
और नरेंद्र मोदी जी परिवार बाल बच्चे वाले तो थे नहीं, जो परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल सका वो देश की जिम्मेदारी संभालने लगा। पूरे देश के लोग भी पगला गए थे कि नहीं नहीं अब नरेंद्र मोदी जी आएंगे और देश को खुशहाल कर देंगे। खुशहाली खाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में आने वाली है। पूरे देश की जनता भिखारियों की तरह सड़क पर उतरने जा रही है और पूरी आक्रोश है। मैं बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी का यह जुमलाबाजी और झूठ का जो राजनीतिक दंश है, ये हमारे हम ही नहीं झेलेंगे, आने वाले 3 पीढ़ियाँ झेलने जा रही हैं। आज के परिवेश में इस सरकार में विरोध पे लाठियां मिलती हैं, जेल मिलते हैं, हो सकता है कल तक हम लोगों के ऊपर मुकदमे भी लग जाए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में म्यूजियम में जो है टमाटर देखने को मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि ये देश की विकास है और ये गुजराती लोग, ये देश का विकास है। ये म्यूजियम में आपको टमाटर आलू, ये कतरा कतरा देश और हिंदुस्तान के रक्त को निकालेंगे, पाकिस्तान का डर दिखा करके अमेरिका के हाथों में हिंदुस्तान के खून को बेचेंगे और अपने 5,000 रुपया लीटर वाला पानी पिएंगे और कहेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके कि भाइयों बहनों मित्रों, हम आपके जिस्म से आपका हलक चीर के जब से तक मरघट नहीं पहुंचा देंगे हम।